नमो बुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है सेनासन सूत्र। क्या नाम है? सेनासन सूत्र। बहुत सुंदर। तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया पांच कारण से युक्त भिक्षु, पांच कारण से युक्त कोई कुटिया या कोई कमरा या तो फिर कोई आश्रम सेवन करेगा तो उसमें रह गया तो ज़्यादा समय जाने से पहले वो सारे आश्रयों को मिटा के अनाश्रव अरहत्त को प्राप्त कर जाता है। ज़्यादा समय जाने से पहले कौन सा? पांच कारण से युक्त होना चाहिए और पांच 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 कारण से युक्त कुटिया या आश्रम सेवन करना चाहिए। कौन सा पांच कारण से युक्त होना चाहिए? कौन से पांच कारण से युक्त होना चाहिए? पहला है तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध जी का संबुद्धत्व पूरा मन से स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे में वो तथागत भगवान बुद्ध जी अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोक विदु है, अनुत्तर पुरुष दम सारथी है, सत्था देव मनुष्यानंग है, बुद्ध है, भगवा है। उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान में श्रद्धा में आता है। तथागत भगवान बुद्ध के संबुद्धत्व को पूर्ण मन से एकदम मन भर के स्वीकार करता है। सचमुच में भगवान बुद्ध जी तो संबुद्ध है, उसमें कोई डाउट नहीं करता है। कंप्लीटली विश्वास करता है भगवान बुद्ध जी सत्य है। उन तथागत राग देश मोह को मिटा दिया। उन तथागत भगवान बुद्ध जी बिना गुरु के उपदेश से चार आर्य सत्य को प्राप्त करके संबुद्ध बन गया। उन तथागत भगवान बुद्ध की विद्या आश्चर्य है। दस बल ज्ञान है, विशारद ज्ञान है, और उन तथागत भगवान बुद्ध जी का और विद्या है पुब्बे निवासानुसूति विद्या, चतुपपात विद्या, आसवाक्खय विद्या, परचित्त विज्ञान यानी कि दूसरों को मन देखने का विद्या, रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले विद्या। उसी प्रकार उन तथागत भगवान बुद्ध जी का शरीर भी खूबसूरत। उसी प्रकार उन तथागत भगवान बुद्ध विद्या आचरण संपन्न है। उन तथागत आरष्टांगिक मार्ग पे जाके संबुद्धत्व को प्राप्त किया, सुगत है, लोक को मिटा दिया। कौन सा लोक? आँख से देखने वाले रूप लोक मिटा दिया, रूप लोक पे आसक्त को मिटा दिया। कान से सुनने वाले शब्द पर आसक्त नहीं होता है, गंध रस स्पर्श विचार पर आसक्त नहीं होता है, और सारे देवलोक ब्रह्मलोक इत्यादि सारे लोक के प्रति जितना प्यार है इच्छा है सब त्याग कर दिया। उन तथागत लोक विदु है, उन तथागत अनुत्तर पुरुषदम सारथी हैं, सत्ता देव मनुष्य सार देव मानव का गुरु है, सब कुछ जान गया। उसी प्रकार वो सारे ज्ञान बताया बुद्ध है, और अनगिनत गुण पा के रहा, महाकारुणिक रहा, उनका प्रज्ञा आश्चर्य है, उतना प्रज्ञा और किसी के पास नहीं है, इसलिए वो तथागत भगवा है। वैसा मनन करके तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना पहला कारण है। हम बताया क्या? पांच कारण से युक्त होना चाहिए तथा पांच कारण से युक्त कुटिया को सेवन करना चाहिए। पांच कारण से युक्त होने वाले पहला कारण क्या है? तथागत के प्रति श्रद्धा है। दूसरा है, दूसरा कारण है वो व्यक्ति भिक्षु हो या कोई भी
अल्प आबाद है, आबाद कम है, अल्प रोग है यानी कि रोग कम है। शरीर में बल है, कैसा बल? अधिक ठंडा भी बर्दाश्त करने का बल, अधिक गर्मी भी बर्दाश्त करने का बल, तथा कोई भी खाना मिले अच्छे से पच जाएगा वैसा पेट जिसके पास है, वो दूसरी कारण है। दूसरी कारण क्या है? आबाद थोड़ा है, रोग है तो थोड़ा है, उनको वीर करने का बल है शरीर में। कैसा बल है? अधिक ठंड आ गया तब भी वो बर्दाश्त कर सकता है, अधिक गर्मी आ गया तब भी बर्दाश्त कर सकता है, और उनको कोई भी खाना मिल गया तो पेट में ऐसा पेट मिलता है पच जाएगा, कुछ मिलेगा तो अच्छा से पच जाता है, वो दूसरा कारण है। तीसरा कारण कारण है वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है, सत्य को छुपा कर दूसरा कुछ दिखाने वाले माया उसके पास नहीं है। जो कुछ हुआ वो सत्य तथागत भगवान बुद्ध को या तो फिर कल्याण मित्र को बिना छुपा के निकाल के बताता है, छुपी छुपी बात उसके पास नहीं है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, माया नहीं है, उसके पास कोई लुका हुआ रहस्य नहीं है, वो तीसरी कारण है। चौथा कारण है अकुशल, तो अकुशल को मिटाने के लिए, कुशल को उत्पन्न करे, कुशल को बढ़ाने के लिए वीर है, कुशल धर्म को उत्पन्न करने वाले आराध्य वीर उनके पास है, वो चौथा कारण है। इसके बाद पांचवा कारण है वो प्रज्ञावान है, अच्छी तरह दुख खत्म होने के लिए किस प्रकार योनि मनसिकार करना चाहिए उसी प्रकार योनि मनसिकार करते हुए ये सारे संस्कार का उत्पन्न होना नष्ट होना प्रज्ञा से देखते रहता है, अनित्य दुख अनात्म को प्रज्ञा से देखते रहता है, यानी कि उसके पास प्रज्ञा भी है। ये पांच कारण से युक्त भिक्षु, कौन सा पांच कारण? पहला है तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा है, दूसरा कम बीमार है यानी कि स्वस्थ शरीर है, जैसे कह रहे स्वस्थ शरीर है ना, स्वस्थ शरीर है, तीसरा छुपा छुपी बात नहीं, बेईमान नहीं, ईमानदार है, वांक नहीं अवांक है, वांक मतलब ऐसे, अवांक मतलब वैसे, ठेरा नहीं सीधा है, वो कुछ भी छुपाता नहीं तथागत भगवान बुद्ध को या फिर कल्याण मित्र बताता है। चौथा क्या है? कुशल धर्म को बढ़ाने के लिए आराध्य वीर है। पंचमा है प्रज्ञावान है। ये पांच कारण से युक्त भिक्षु, पांच पांच कारण से युक्त सेनासन सेवन करना चाहे, सेनासन मतलब कुटिया या कमरा, कुछ भी कुटिया, उनका कुटिया गांव से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, गांव में सट के नहीं रहना चाहिए, ज्यादा नजदीक भी नहीं ज्यादा दूर भी नहीं, वो पहला कारण है। आने जाने का सुविधा होना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, दिन के समय में आदमी लोग नहीं दिखना चाहिए, भाला करता है या हंसता है बातचीत करते है, वैसा आवाज नहीं आना चाहिए दिन के समय में।
रात्रि में भी कम आवाज है, कोई प्राणी चिल्लाने का कुछ आवाज जाएगा बस, वो दूसरा कारण है कुटिया का। पहला कारण क्या है? गांव से ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास में भी नहीं। दूसरा कारण क्या है? आज भी लोगों का हंसने का, बातचीत करने का, चिल्लाने का आवाज नहीं आता है, रात में भी आवाज कम है। तीसरा क्या है? मच्छर, मक्खी, तूफान, आंधी, धूप और सांप का परेशान बहुत कम है। मच्छर, मक्खी, तूफान का वगैरह का परेशान भी कम है और धूप से भी बच के रह सकते हैं आराम से, और सांप इत्यादि जानवरों का भी परेशान कम है उस कुटिया। चौथा कारण है, उसी आश्रम में, उसी कुटिया में वो भिक्षु को चीवर, भोजन, रहने का जगह, दवा वगैरह थोड़ा मेहनत से मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत करने से नहीं। कोई कोई बांधे लोग थे, बीमार होकर मर जाता है, इलाज करने के लिए कुछ कुछ ये कुटिया में कुछ नहीं, डॉक्टर को खोजना चाहेंगे तो जाना पड़ेगा बहुत दूर, जाते जाते मर जाता है। इसीलिए उस कुटिया में सुविधा है, चीवर, पिंडपात, सेना, सुलगिरान, प्रति दवा वगैरह का सुविधा है, अल्प मेहनत से ले सकता है, कुछ मेहनत से। पंचमा है, उसी कुटिया में, उसी आश्रम में बहुत सारे धर्म जानने वाले, ज्ञान जानने वाले, सूत्र उपदेश देने वाले, धर्मधर, विनयधर भंते लोग रहते हैं, तो समय समय पर बंते लोगों के पास आकर के पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है, बंते जी ये कैसा है, इसका मतलब क्या है। ऐसे होने पर वो बंते लोग उन लोग को मेन जो ज्ञान है उन बंते लोग धर्म कारण अच्छा समझाता है, उन बंते लोगों से धर्म के बारे में सुनने के बाद धर्म के प्रति जो शक है, शक दूर हो जाता है। ये पांच कारण से युक्त कुटिया सेवन करना चाहिए। कौन सी पांच कारण है? पहला है गांव से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, दिन के समय में ज्यादा आवाज हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, रात्रि में भी कम आवाज। इसीलिए हम बार बार कहता है ना, बात करते हैं ना, बात कोई बात करने का आवाज आता है ना, बहुत परेशान है, उल्टी जैसा हमको बात करने का आवाज सुन लिया तो कुछ कुछ करके इधर उधर बात करते रहते, एकदम चुप होना चाहिए। आप लोग, हम लोग का कोई आश्रम में जाके देखिए, 200-300 बनते लोग हैं, पता नहीं कोई है कि नहीं, सिर्फ आवाज आता है चिड़िया का। यहाँ दो तीन बच्चा रह गया तो पूरा हल्ला गुल्ला, इधर बात करता है, उधर बात करता है, उधर काम करने गया तो उधर भी बात है, उधर पहुंचने गया तो झाड़ू, उधर भी बात करता है। इसीलिए यह धर्म के रास्ते पे जाना मुश्किल है, क्योंकि कल्याण मित्र जैसे कहते तो ऐसा लोग रहता नहीं है, अंत में कल्याण मित्र को भी टेंशन, उनका भी रास्ता नहीं बढ़ता है, रहने वालों का भी रास्ता नहीं बढ़ता है, सबको परेशान। तीसरा कारण, मच्छर, मक्खी, तूफान, सांप, बिच्छा, धूप वगैरह का परेशान कम है। चौथा कारण है, आराम से चीर, पिंडपात, सेना, खान पान, रहन सहन आराम से मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। पंचमा है, उसी आश्रम में, उसी कुटिया में है कोई एक अच्छा बांधते जी, उनके पास ज्ञान है, आके कुछ भी पूछ सकता है, सारे संदेह सत्संदेह दूर हो जाता है। वैसा कोई बड़े बनते लोग है उसी आश्रम में। ये पांच का पहला पांच कारण से युक्त होकर, पांच कारण से युक्त कुटिया संगत करेगा तो, आश्रम रहेगा तो,
वो भिक्षु ज्यादा समय जाने से पहले अरहत्व को प्राप्त करते हैं। देखिए सूत्र उपदेश का नाम क्या है, सेनासन सूत्र, बहुत सुंदर है ना। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार पांच कारण से युक्त होकर, पांच कारण से युक्त आश्रम को निर्माण करके सभी दुख से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। शांति।